जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंस में करना सीखा लाइंस को, आज सीक्वेंस में सीखेंगे कर्व्स को। कर्व्स हमने प्रैक्टिस किए थे सी, बैकवर्ड सी, वैसे ही बड़े भी सी करेंगे हम। उसी के साथ डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, सर्कल, ओवल, इतने कर्व्स हमने प्रैक्टिस किए हैं। अब इसी चीज को कंटिन्यूएशन में कैसे करना है वो सीखेंगे। सी कर्व को स्टार्ट करेंगे, उसी को आगे लेके जाएंगे। स्पीड इंक्रीज तभी ही होगी जब आप पहले प्रॉपर मैनर में लिखना यानी कि कर्व्स करना सीख लेंगे। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ब्लू टू ब्लू लाइन में ही हो रहा है अभी, कॉन्सेंट्रेट स्पीड पे नहीं करना है और हाथ उठाना नहीं है, जितना कंटिन्यू कर सके करना है। जब आपको लगे कि मूवमेंट ज़्यादा आगे चला रहा है आप फिर से हाथ उठाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये स्ट्रोक्स आप जितना स्टार्ट करें स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर सीक्वेंस में होना चाहिए, ब्लू टू ब्लू में ही टच होना चाहिए। वैसे ही बड़ा सी कर्व भी जो है उसे भी सेम वे रहेगा, लेकिन उसका जो ये स्ट्रोक है वो ऊपर की ब्लू लाइन से करना है, तभी ही आप उसे कंटिन्यू कर सकेंगे। उसी के बाद डाउनवर्ड कर्व जो है वो भी ब्लू टू ब्लू में ही रखना है। ये आप ग्राफ बुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और रेड एंड ब्लू में भी कर सकते हैं। रेड एंड ब्लू में बेनिफिट ये है कि आप जो भी करते हैं आपको इवेंचुअली यही फॉन्ट्स यानी कि फॉन्ट साइज यही साइज में लिखना है। आप कोई भी बुक में लिखे चाहे सिंगल लाइन हो, अब हम सिंगल लाइन में भी देखेंगे तो हम स्मॉल लेटर का साइज इतना ही रखेंगे, इससे बड़ा नहीं लिखेंगे हम। तो ये बेनिफिट होता है रेड एंड ब्लू लाइन में लिखने का, बिकॉज जब हमने लिखा है यहाँ पर हमारा हाथ उतना ही मूव करेगा, इतना बड़ा छोटा एकदम छोटा ऐसे नहीं होगा। इक्वल पार्ट में लिखने के लिए हैंड मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ कर्व्स आपको करने हैं जैसे कि ओ, लेकिन वो ओवल स्लैंट में जाना चाहिए आपका। ये प्रैक्टिस आपको बुक में करनी होगी रेड एंड ब्लू लाइन में। ये मैं कुछ कर्व्स आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क, आप ये अपनी प्रैक्टिस में ऐड ऑन कर सकते हैं। जो आपने बेसिक लाइंस और कर्व सीखे हैं उसी के साथ साथ ये आपको कर्सिव राइटिंग के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। जैसे कि ये सी के साथ आप ओ को भी ऐड ऑन कीजिए, लाइंस जो आपने किए थे उसको भी आप कंटिन्यूएशन कर सकते हैं लाइक दिस। इसे कर्व और लाइंस का मिक्स करके पैटर्न कहा जा सकता है। ये आपको ऐड ऑन करना है, उसी के साथ आप डाउनवर्ड में भी जा सकते हैं। सीक्वेंस में लिखिए, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे मेरी सिर्फ उंगलियों को मैं मूव कर रही हूँ, आपको हाथ या फिर इसी के साथ आप ये भी प्रैक्टिस कीजिए, ये भी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ हल्के मूव्स जैसे कि ये लाइक अ वेव, इसे प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये आपको कर्सिव राइटिंग के स्मॉल लेटर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं कर्व्स, जो कि हल्के हाथ से आपको करने होते हैं लाइक अ वेव्स। इसे कहा ही जाता है वेव कर्व, बिकॉज आपको हल्के, अभी ये सारे लेटर्स हम प्रेशर देके लिखते हैं, ये वेव हमें हल्के हाथों से लिखना है, लेकिन अलाइनमेंट प्रॉपर और स्पीड ग्रेजुअल होनी चाहिए, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, और बेटर करता है वो है हेड मूवमेंट्स। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।